जाति है कि जाति नहीं। केरल में एक दलित मंत्री के साथ मंदिर में जातिवाद का मामला सामने आया है। मंदिर में दलित मंत्री के राधाकृष्णन को ब्राह्मणों ने दीप प्रज्वलित करने से रोक दिया। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। केरल के सामाजिक कल्याण मंत्री के राधाकृष्णन ने बताया कि उन्हें खुद जातिवाद का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि एक मंदिर में कार्यक्रम के दौरान उन्हें पुजारियों ने साइडलाइन कर दिया और उनके हाथों से दीप प्रज्वलित नहीं कराया। बीते रविवार को कोटायम में कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अपने साथ हुए जातिवाद के बारे में मंच से बोलते हुए कहा, मैं एक मंदिर में एक समारोह में भाग लेने गया था। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य पुजारी ने एक दीपक रखा, वो लो लेकर आए और मुझे लगा कि वो मुझे दीपक जलाने के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने लो नहीं दी बल्कि उन्होंने खुद ही दीपक जला दिया। उस समय मैंने सोचा कि ये किसी रिवाज का हिस्सा है और इससे टोकना नहीं चाहिए। उसके बाद मुख्य पुजारी ने लो को दूसरे पुजारी को सौंप दिया और उसने भी दीपक जलाया। मैंने सोचा कि शायद इसके बाद तो लो मुझे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लो देने की बजाय उसने उस लो को जमीन पर रख दिया। उनकी सोच थी कि मैं इसे फर्श से उठाऊंगा और दीपक जला दूंगा। मैंने सोचा कि क्या मुझे ये लो उठाकर दीपक जलाना चाहिए, क्या मुझे इस फर्श से ये उठा लेना चाहिए। मैंने कहा, ये तो भाड़ में जाए। आप मेरे दिए हुए पैसों को तो अछूत नहीं मानते हो, लेकिन आप मुझे अछूत मानते हैं। के राधा कृष्णन के ये शब्द आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत में जातिवाद किस तरह से काम करता है। आप चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाएं, आपकी जाति देखकर आपके साथ भेदभाव हो सकता है। ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों के लिए जाति ही सब कुछ है। राधा कृष्ण ने पुजारियों के उस दोगले चरित्र को भी बेनकाब किया जिसमें वो दलितों का दान तो ले लेते हैं लेकिन उनके साथ छुआछूत भी करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में आगे बोलते हुए कहा, मैंने बताया कि वो मेरे द्वारा दिए जाने वाले पैसे में भेदभाव नहीं करते बल्कि वो मेरे साथ भेदभाव करते हैं। जाति व्यवस्था भले ही रातों रात खत्म न हो जाए लेकिन लोगों के दिमाग से ये गई नहीं है। मैंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि वो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं जबकि गरीबों द्वारा दान किए गए धन के प्रति कोई भेदभाव नहीं दिखाते हैं। जो कसाई या मछली विक्रेता के पास से आता है और उनकी जेब से बाहर आता है उसे लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे से दिक्कत नहीं है लेकिन दलितों से है। शास्त्रों में इसे ही ब्राह्मणवादी दोगलापन कहा गया है। ऐसे लोग हमारी मेहनत की कमाई हड़प जाते हैं, हमें ईश्वर के नाम पर डराते हैं और पैसा ठगते हैं। हमसे कहते हैं कि हवन करवा लो, कोई खास पूजा करवा लो, अपने घर में मंदिर बनवा लो और तरह तरह के डर दिखाकर हमसे पूजा के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। इन्हें दलितों के पैसों से तो कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वो पैसा इनकी जेब में जाता है, उस पैसे से इनकी तिजोरियां भरती हैं, इसलिए ये पैसे तो तुरंत ले लेते हैं लेकिन दलितों को इंसान तक नहीं समझते। जातिवाद की इस घटना ने केरल की कथित प्रगतिशीलता की पोल भी खोल दी है। केरल में लेफ्ट पार्टियों का दबदबा है और अक्सर मार्क्सवादी लोग दावा करते हैं कि उनके राज में जातिवाद नहीं होता और लोग प्रगतिशील होते हैं, लेकिन केरल सरकार के मंत्री के साथ मंदिर में हुए जातिवाद ने साबित कर दिया कि ये सब कहने की बातें हैं। असल में भारत एक जाति प्रधान देश है और यहाँ लोगों की रगों में खून के साथ साथ जाति भी दौड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत के सबसे बड़े पद पर बैठी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति के पास जाने से नहीं रोका जाता और उन्हें आदिवासी होने की वजह से दूर से ही पूजा नहीं करनी पड़ती। अगर भारत में जातिवाद नहीं होता है, जातिवाद मिट गया है, तो पूर्व दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में जाने से नहीं रोका जाता। पुजारियों ने तो उनके साथ बदसुलूकी भी की थी, उन्हें घुसने तक नहीं दिया था। ये सारी घटनाएं सबसे बड़ा सबूत है कि दलित चाहे किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, ब्राह्मणवादियों की नजर में उनके लिए उनकी जाति से ज्यादा कुछ नहीं है। उनको लगता है कि वो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े तबके के हैं और उनके साथ वो इस तरह का जातिवाद भेदभाव करने से भी बाज नहीं आते। ऐसी जातिवादी घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए और मंदिरों में जाने से बचना चाहिए। हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है बल्कि स्कूल और कॉलेजों की है। हमारा भला मंदिर की दौड़ लगाने से नहीं होगा बल्कि पढ़ लिख कर कामयाब होने से होगा कि हम अच्छी जगह पढ़ाई करें, करियर में कुछ बेहतर करें, उससे ही हमारा भला होगा। इसलिए ऐसी जगह जाना ही क्यों जहां आपका अपमान होता हो, मतलब खुद की बेइज्जती कराने के लिए हम ऐसी जगह क्यों जाएं।
हमें ना ऐसी जगह जाना चाहिए और ना ही पाखंड में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ब्राह्मणवादियों पर लुटानी चाहिए जो आपके साथ छुआछूत और भेदभाव करते हों। खासकर बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको ये पद, ये शोहरत, ये धन बाबा साहब जैसे महापुरुषों और माता सावित्री बाई जैसी महामहिलाओं की बदौलत मिली है, ना कि किसी पंडित पुजारी की कृपा से। आपका इस बारे में क्या कहना है? इस घटना पर, मंदिरों की दौड़ पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक साझा करें, हम आपकी राय पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमको फॉलो करें और तमाम वीडियो के अपडेट्स के लिए, तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर द न्यूज़ वीक के जो चैनल है, व्हाट्सएप का जो नया फीचर है व्हाट्सएप चैनल, वहां पर भी द न्यूज़ वीक को ज़रूर फॉलो करें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको तमाम जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। आपको अगर हमारा काम पसंद है तो आप हमें मदद भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील, साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।